हाय करो। हाय हाय, हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग फ्रेंड्स। अभी शाम के कुछ 6:30 बज रहे हैं। मिष्टी को मैं नाश्ता खिला रही हूँ, उसका रागी स्ट्रॉबेरी वाला सरलेक है, तो मैं उसे वो खिला रही हूँ। ये देखिए मिष्टी को। मिष्टी क्या कर रही है बिट्टू? मिष्टी का मुंह देखिए, मिष्टी अपना पूरा मुंह गंदा कर लिया है और अभी थोड़ा थोड़ा करके खिला ही रही हूँ। ये तो बहुत टाइम लेती है खाने में, तब तक मैं बाकी काम निपटाऊंगी। ये देखिए मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से कपड़ा था और सर्फ नहीं आ पा रहा था, तो अब सर्फ आने के बाद मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। अब कपड़ा समेटना है मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। मिष्टी भी इधर खा रही है, मैं कपड़े भी समेट लूंगी, बीच बीच में इसके मुंह में डाल भी दूंगी, है ना मिष्टी? है ना? हाँ। हाय करो। हाय 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 करो। हाय मिष्टी को मैंने हाय सिखाया है, हाई फाई सिखाया है, और मिष्टी क्लैप भी करती है। आज उसने थोड़ा हाय किया, कभी अगर उसका मन किया तो वो सब भी करेगी। मिष्टी हाय। मिष्टी अभी बैलेंस करना सीख रही है फ्रेंड्स, तो अभी तो थोड़ा थोड़ा ही बैलेंस कर पाती है, ज़्यादा तो बैलेंस नहीं कर पाती, लेकिन ठीक है अभी तो ठीक है। मिष्टी हाय हाय। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मोबाइल को एक जगह सेट कर देती हूँ और मैं सारे कपड़े भी समेट लेती हूँ, साथ में मिष्टी के मुँह में भी डाल देती हूँ थोड़ा सा खाना, क्योंकि वो मुँह में भर के अभी खाना रखती है फ्रेंड्स, वो खाती ही नहीं है। चलिए ठीक है। सो फ्रेंड्स, कैमरे को मैंने एक जगह सेट कर दिया है और अब मैं मिष्टी को एक तरफ थोड़ा थोड़ा खिला रही हूँ, दूसरी तरफ मैं कपड़ा समेट रही हूँ। और ये मिष्टी इधर देखिए कि मैं कपड़ा समेट के रख रही हूँ, तो वो सारा कपड़ा उठा उठा के फेंक देती है। उसका बदमाशी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फ्रेंड्स। वो कभी भी मेरे को देखती है ना, मैं कहीं कपड़ा समेट रही हूँ या डेस्क में कपड़ा रख रही हूँ अलमारी में, वो सीधा आती है, फटाफट फटाफट निकाल निकाल के फेंकना स्टार्ट कर देती है। और अभी देखिए क्लैप क्लैप कर रही थी, वो हाय क्लैप, अभी सब कुछ मैंने उसे सिखाया, वो अच्छे से करती है। तो इतने में उसके पापा आ जाते हैं और मिष्टी सीधा अपने पापा के गोद में चली जाएगी, और गोद में जाने के बाद तो भाई वो गोद से उतर नहीं रही थी। पापा उसके बोलते हैं अरे मुझे फ्रेश होने दो, मुझे वॉशरूम जाने दो, वो चिल्ला चिल्ला के रो रही है कि नहीं भाई मुझे गोद से नहीं उतरना। ये देखिए उसे पापा ने फिर से गोद में ले लिया, क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने किसी तरह उसे गोद में लिया और मैं उसे किचन में लेके गई, एक एप्पल दी मैंने, वो एप्पल खा रही है, चिल्ला रही थी, फोन में देख करके एप्पल खा रही है, है ना मिष्टी? तो फिर शाम के लिए मैंने कुछ नाश्ता निकाला, तो मैंने सबसे पहले तो एक कॉर्न को दो टुकड़े करके बॉईल करने के लिए रख दिया, उन्हें बॉईल कॉर्न पसंद है। और प्लस मैंने यहाँ पे कुछ चीकू, एक संतरा और एक बर्फ़ी लिया था, थोड़ा सा मिक्सचर लिया था, तो मैं मिक्सचर खा रही हूँ। और मिष्टी को भी मिक्सचर पसंद है, वो खुद से हाथ से लेती है और उसे छीटना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी लेके खा रही थी। और इधर मेरा कॉर्न तब तक फटाफट से बॉईल भी हो गया, तो मैंने कॉर्न लिया है, एक मिर्ची मैंने खुद के लिए लिया था, उतने में मैंने चावल चढ़ा दिया, रात का खाना बना रही हूँ। तो इनको आज एकदम सिंपल प्लेन खाना खाना था, चावल दाल और आलू का चोखा, तो मैंने चावल चढ़ाया और मैंने मूंग और मसूर का दाल भी चढ़ाया, तो सब कुछ मैंने चढ़ा तो दिया था। और इधर मैं कुकर में ढक्कन लगा दूँगी, मैं कुकर में हल्दी नमक डाल के ढक्कन लगा देती हूँ, और उतने में मैंने वहाँ पे जिसमें चावल चढ़ाया है उसमें मैंने जो तीन आलू छीले थे, मैं वो तीन आलू भी बॉईल करने के लिए डाल दूँगी। अब इतने में क्या होता है फ्रेंड्स कि सिलेंडर का गैस ही ख़त्म, उस सिलेंडर ही पूरा ख़त्म। अब मैं क्या करूँ, एक सिलेंडर पहले से ख़त्म था, दूसरा भी ख़त्म हो गया, एक्चुअली मैं यहाँ थी ही नहीं, तो मैंने यहाँ इंडक्शन में खाना चढ़ाया। कुकर तो मेरा इंडक्शन वाला ही था, तो फटाक से कुकर में सीटी मारना स्टार्ट भी हो गया, दूसरी तरफ मैंने फिर फटाफट से चावल चढ़ा दिया। चावल होते ही मुझे लगाना है दाल में तड़का, और तड़का लगाने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो कलछुल में तड़का लगाती हूँ। अब मैंने कटोरी चढ़ाया है स्टील वाला, तो वो देखिए एकदम गर्म हो गया, गर्म होते ही मैंने उसमें जीरा डाला, तो जीरा तो फटाफट से क्रैकल करने लगा, एक मिर्ची मैंने दाल के लिए डाला और एक मिर्ची मैं चोखे के लिए फ्राई कर रही हूँ इसी ऑयल में, क्योंकि फिर अलग से मैं किस में फ्राई करती, कढ़ाई तो इसमें बनता ही नहीं है इंडक्शन पर, तो और वो नॉनस्टिक वाला जो कढ़ाई है वो तो मैं अभी निकाली ही नहीं थी। तो इधर ये देखिए बाबा रे, बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो गया था,
उतने मैंने जल्दी से उस मिर्ची को निकाला, इंडक्शन मैंने बंद कर दिया था और इधर मैं दाल को इसमें डाल दूँगी और फिर मेरा फटाफट से दाल हो जाएगा रेडी। तो इस तरह से मैंने खाना तो बना लिया रात का और ये देखिए बस दाल भी हो गया। एक्चुअली फ्रेंड्स हुआ क्या था ना कि मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं अपने घर गई हुई थी, मतलब मायके गई हुई थी, तो यहाँ पे एक सिलेंडर पहले से ख़त्म था और ये तो घर पे खाना बना भी नहीं रही थी। ये जब से मैं आई थी 2 बार 3 बार पूछ चुके थे सिलेंडर है सिलेंडर है, और मैंने बोला कि हाँ अभी तो है अभी तो है, तो कल रात को ये बोलते हैं हाँ और बोलो है। तो अब तो सिलेंडर ख़त्म हो चुका है तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अब मैं आलू का चोखा बना लूँगी। मैंने तीनों आलू निकाल लिया है और जो मैंने मिर्ची फ्राई करके निकाला था ना, वो मिर्ची को मैं नमक डाल के अच्छे से हाथ से मिलाऊँगी। इस तरह से चोखा मिला के खाने से ना फ्रेंड्स टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा सूखा मिर्ची वाला। तो इस तरह से मैं देखिए आलू बहुत गर्म था, मैंने चम्मच से अच्छे से उसे फोड़ा और फोड़ के मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो ऑलमोस्ट चोखा भी रेडी हो चुका है, तो खाना हमारा रेडी है, चावल दाल आलू का चोखा, एकदम सिंपल प्लेन खाना। मैं पापड़ भी सोची थी कि मैं सेकूंगी क्योंकि छाना वो उतना नहीं पसंद आता है, तो सेकने का तो हो ही नहीं सकता। इधर मीनवाइल मैंने सेरलेक बना लिया था। सेरलेक क्या, मैंने सूजी वाला मिष्टी के लिए बना लिया था। इधर मैंने दूध भी गर्म कर लिया है, ये देखिए दूध भी गर्म है और मिष्टी मिष्टी तो भाई जो सो रही थी, वो खाना बनाने के पहले से जो सोई थी और ये देखिए अभी भी सो रही है, वो उठना ही नहीं चाहती। मैं उठा उठा के थक गई थी, लास्ट में मैंने उसे गोद में लिया और सीधा जाके मुँह पर पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद वो उठी और ये अभी हमारे साथ थोड़ा खेल रही है। थोड़ा खेलने के बाद मैंने यहाँ पे मिष्टी का राइम्स स्टार्ट किया है क्योंकि अब उसे खिलाना है। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा उसे अब खिला रही हूँ। देखिए ना मुँह ही नहीं उठाती है कि खाए, मुँह ही नहीं उठाना है उसे कि खाओ। तो मैंने किसी तरह उसे पकड़ के खिलाया और इधर लेट के खा रही है, उधर सो के खा रही है। देखिए ऐसे लेटी हुई है, देखिए इस तरह से सो के खा रही है। और इधर मिष्टी को खिलाना हो गया, मैंने भी हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। अब मैं बना रही हूँ अपना रात का प्रोटीनिक्स। तो मैंने दूध को ठंडा किया था, प्रोटीनिक्स हमें दूध ठंडा करके मिलाना होता है। तो ये देखिए मेरा प्रोटीनिक्स चॉकलेट फ्लेवर, तो जितना मेरे कप में आया उतना मैंने लिया और बाकी मैंने जहाँ दूध था उसी में रख दिया है। अब मैं इसमें 2 स्कूप लूँगी, इसमें स्कूप नहीं आता, ये स्कूप मेरे दूसरे सामान का था, वो स्कूप मैंने लिया है। तो मैं इसमें अभी 2 स्कूप प्रोटीनिक्स डालूँगी और इसे अच्छे से मिलाना होता है क्योंकि ये क्या बोलूँ मिलता नहीं है, ये थोड़ा सा बबल बबल टाइप का हो जाता है, तो इसे मिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसे मैं चम्मच से अच्छे से घुमा घुमा के मिलाऊँगी और इधर ये इस तरह से मिलाने के बाद आज का तो काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब देखना है कल कैसे खाना बनाऊँगी, क्या करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह खाना भी जल्दी बनाना होता है और गैस भी ख़त्म है। और इस बार तो फॉल्ट मेरा ही है भाई, उनका तो कोई फॉल्ट है ही नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं। अब ऐसा होता ही है फ्रेंड्स, कभी कभार हो जाता है इस तरह से। और ये देखिए अब मेरा प्रोटीनिक्स भी पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब आज के ब्लॉग को लगभग यहीं एंड करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स मिष्टी ने खाना खा लिया है, मैंने भी अपना प्रोटीनिक्स बना के ले लिया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए मिष्टी का खाना अभी भी मुंह में है। मिष्टी बाय बाय।